उद्घाटन से पहले कि आखिर प्रोजेक्ट तैयार हुआ नहीं तैयार हुआ, और मॉडल के साथ साथ प्रेजेंटेशंस भी यहाँ पर तैयार की गई हैं। मॉडल पूरा यहाँ पर रखा गया है कि अगर आप एक फिजिकल स्ट्रक्चर इस पूरे मॉडल का देखना चाहें तो आप फिजिकल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, साथ ही वर्चुअली भी प्रेजेंटेशन के जरिए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पूरी ग्राफिंग की गई है, मैपिंग की गई है, जिससे एक एक बारीकी पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी भी मौके पर मौजूद हैं, महेंद्रनाथ पांडे भी मौके पर मौजूद हैं, और सभी को ब्रीफ किया जा सके, समझाया जा सके, ताकि उनको आसानी हो कि आखिर एक मॉडल जो उन्होंने सोचा, जो पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, और उससे पहले उसकी ब्रीफिंग यहाँ पर हो रही है लगातार, काफी देर से इसको ब्रीफ किया जा रहा है, पीएम के सामने सारी चीजें रखी जा, सारी चीजें यहाँ पर उनको ब्रीफ की जा रही हैं, लिखित में तैयार किया गया है पूरा ग्राफ। देखिए पूरा एक मैप के तरीके से टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ये मैप बहुत अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है, जिससे एक एक बारीकी, एक एक चीजें यहाँ समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मॉडल के जरिए, एक प्रेजेंटेशन के जरिए, और अब ये दूसरी प्रेजेंटेशन है जिसके जरिए चीजें यहाँ पर उनको समझाई जा रही है और दिखाई जा रही है कि आखिर बीच माल और जल परिवहन के लिए किया जाता रहा है। लगभग एक सदी पहले तक गंगा नदी भी एक व्यस्त जलमार्ग हुआ करती थी, परंतु रेलवे के विकास के साथ ही इसका इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो गया था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। तो हाईवे है, एयरवेज है, रेलवेज है, अब आपके सामने है वाटरवे। जलमार्गों को नया जीवन देने का माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न साकार होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। परियोजना की लागत 5,376 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत गंगा नदी को हल्दिया से वाराणसी तक नौवहनीय बनाया जाना है। कार्गो आवाजाही के लिए फरक्का में नए नेविगेशन ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल पर तेजी से कार्य हो रहा है, जबकि वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा परियोजना में 2 इंटर मॉडल टर्मिनल और 5 रोरो टर्मिनलों को भी विकसित किया जाना है। इतना मॉडल टर्मिनल से जून 2016 में इसका निर्माण शुरू हुआ। नदी के तेज बहाव के बीच 53 मीटर गहरे 72 पिलरों को खड़ा करना स्वयं में एक बड़ी चुनौती थी, परंतु आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ये कार्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। बेहतर प्लानिंग और कड़ी मेहनत के प्रतीक इस टर्मिनल की 200 मीटर लंबी और 42 मीटर चौड़ी जेटी में बर्थिंग और लंगर डालने की सुविधा होगी। देश की पहली नदी सूचना प्रणाली इस मार्ग पर जलयानों का सुरक्षित और कुशल, और वाराणसी के बीच श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इधर वाराणसी का मल्टी मॉडल टर्मिनल तैयार है, तो दूसरी तरफ 30 अक्टूबर 2018 के दिन कोलकाता से 16 कार्गो कंटेनरों को लेकर जलयान MV रविंद्रनाथ टैगोर से अंतरदेशीय जलमार्ग पर भारत का पहला कंटेनर कार्गो मूवमेंट शुरू हुआ। इस जलयान ने फरक्का, साहिबगंज, पटना और गाजीपुर से गुजरते हुए ये सफर पूरा करके अपने गंतव्य वाराणसी के इस मल्टी मॉडल टर्मिनल पर लंगर डाला। अंततः वाराणसी की ऐतिहासिक पौराणिक धरती पर आज माननीय प्रधानमंत्री के हाथों तस्वीरों में आप देखिए एक अलग ही खुशी यहाँ पर सभी के चेहरे पर नजर आ रही है। हरी झंडी लहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुशी के साथ इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, टर्मिनल का निरीक्षण कर रहे हैं। बटन दबाकर उन्होंने टर्मिनल की शुरुआत भी कर दी है, उद्घाटन भी कर दिया है। इससे पहले पूरे प्रोजेक्ट वो समझ भी चुके हैं, बहुत ध्यान से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बटन दबाकर इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो हरी झंडी दिखाकर यहाँ सौगात सौंप चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और टर्मिनल।